बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान रूहानी मौलिद हाफिज मोहम्मद उस्मान आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, शोहर को अपनी मोहब्बत में पागल करने के लिए, शोहर को अपना दीवाना बनाने के लिए, शोहर से अपने तमाम शरई हकूक लेने के लिए, शोहर की मोहब्बत पाने के लिए, शोहर का गुस्सा खत्म करने के लिए, शोहर की नफरत को खत्म करने के लिए, शोहर की बदगुमानी को खत्म करने के लिए, शोहर के साथ अगर कोई असरात वाला मामला है तो उसके लिए इलाज की जरूरत होती है, उसके लिए फिर वज़ाइफ की जरूरत नहीं होती है। मियां बीवी के अंदर बहुत सारे झगड़े होते हैं जिसकी वजह से नौबत तलाक तक पहुंचती है, इसके लिए शैतानी असरात होते हैं। खासतौर पे उन खवातीन के साथ ये मसाइल होते हैं जिनकी शादियों में ताखीर होती है, क्योंकि उनके ऊपर असरात पहले से होते हैं, जब वो अपने घर आ जाती हैं तो फिर उनके ऊपर असरात वो मजीद मुसल्लत हो जाते हैं और वो उनको हर हालत में उनको जुदा करना चाहते हैं। असरात या जादू या जिन जो भी कह लें, वो आपके घर को आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको तलाक करवाना चाहते हैं। अगर आप सबसे पहले तो ये देखें कि आपके जो मसाइल हैं इनके पीछे जादू जिन नहीं होना चाहिए। अगर तो जादू जिन आपका मसला है तो उसके लिए आपको अपने किसी रूहानी एतमाद वाले मौलवी से इलाज की जरूरत है। अगर आपको चेक नहीं करना आता, आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके तशखीस करने का या चेक करने का तरीका मंगवा लें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोस देख के उसके मुताबिक आप अपनी या अपने अहले खाना की, अपनी या अपने शोहर या बीवी की दोनों की आप तशखीस कर सकते हैं। तशखीस में अगर तो जादू जिन्नात का मसला आ रहा है तो आपको यकीन करें कि आपको इलाज की जरूरत है, वज़ाइफ की जरूरत नहीं है। वज़ाइफ कर करके आपका वक्त जो है वो खत्म होता जाएगा और आपको बिलाखिर तलाक हो जाएगी, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए वज़ाइफ से निकल के आप पहले इलाज करवाएं, क्योंकि जो जादू जिन है वो आपके वज़ाइफ के ऊपर भी बंदिश लगाता है, वो आपके वजीफे से बहुत ऊंची चीज है। जादू जिन जो है वो आपके वजीफा काम नहीं करना वहां पर, तो इसके लिए अपने किसी एतमाद वाले मौलवी से इलाज करवाइए, जरूर करवाइए। अगर आप अपना या अपने अहले खाना में से किसी का रूहानी इलाज इदारा रूहानियात से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स के ऊपर फोन करके बरोज इतवार लाहौर डिफेंस में वक्त लेके तशरीफ लाएं। इलावा इतवार बाय अपॉइंटमेंट है, उसके लिए फोन करके आप वक्त लेके तशरीफ लाएं। जो साथी चाहते हैं उनको हमारे आमाल वक्त पे मोबाइल पे मौसूल होते रहे, वो हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें, इन तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। चलते हैं अमल की तरफ। अमल के लिए क्या करना है कि मियां बीवी की अगर लड़ाई हो रही है तो आपने तशखीस कर ली, जादू जिन्नात का मसला नहीं है, वैसे ही कोई मसाइल है, असरात हैं, तो नजर हसद का इलाज करें और साथ में वज़ाइफ करें, तो इंशाल्लाह ताला इसकी बरकत से चंद ही दिनों में ही आपका मसला हल हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर तो शोहर का मसला यह है कि शोहर आपके साथ बदगुमान है और आपसे मोहब्बत नहीं करता और आपको ताने तशनी देता है, मारपीट करता है, बदजुबानी बदकलामी करता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने दूध लेना है मीठा। अगर शोहर मीठा दूध नहीं पीता है तो फिर आपने पानी, शरबत, कोई भी चीज जो आपने मतलब फ्रेश जूस हो है वो लेके उसके ऊपर दम कर सकती हैं। या अगर आपका ये भी मसला नहीं है, मतलब वो जूस वगैरह का सिलसिला नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने चाय में चीनी डाल के वो पिला देनी है। चाय भी अगर नहीं पीते तो फिर आपने सादा पानी पे आ जाना। अगर चीनी का कोई मसला है, शक्कर ले लें, शहद ले लें, कोई भी चीज मीठी उसके ऊपर दम करके आपने रोजाना शोहर को खिलाना पिलाना शुरू करनी है। इसी तरह अगर बीवी का मसला है तो शोहर अपनी बीवी को यही अमल करेगा। इसके लिए खवातीन ने मखसूस अय्याम में ये अमल नहीं करना, मखसूस अय्याम के अलावा इस अमल को 40 दिन करना है। इंशाल्लाह ताला 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा तो शोहर आपके इंशाल्लाह ताला आपकी जो सोच है उसके मुताबिक आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो आपने जब अमल करना है तो उसके लिए आपने अपनी जुबान को बंद रखना है, जो शोहर की ख्वाहिशात हैं उनको आपने पूरा करना है ताकि वो आप पर एतमाद एतकाद करना शुरू करे, और वो अगर आपकी तरफ आए तो उनको आपकी बदजुबानी की वजह से वो दोबारा आपसे मुतनफर ना हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक आयत पढ़नी है, सूरत मरियम की आयत है, वअल्कैतु अलैका मुहब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला आइनी। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 100 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने चीनी पर, शहद पर या शक्कर पर आपने दम करना है, रोजाना दम करना है और रोजाना शोहर को खिलाना पिलाना, और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करते रहना है। जब आपने दम करना है जब भी अल्लाह से दुआ करनी है, जब शोहर को खिलाना पिलाना जब भी अल्लाह से दुआ करनी है। तो यह अमल 40 दिन करें, इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ने चाहा तो आपकी शोहर की तमाम नफरतें आपसे खत्म हो जाएंगी, नफरतें मोहब्बत में बदल जाएंगी इंशाल्लाह, बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी, तलाक की रट खत्म हो जाएगी, बदजुबानी बदकलामी खत्म हो जाएगी, मारपीट खत्म हो जाएगी, ताने तशनीए इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे, शोहर आपके साथ मोहब्बत से पेश आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक के तमाम पेजेस को लाइक जरूर करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका भी रूहानी खिदमत में हिस्सा शामिल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।